हेलो फ्रेंड्स, हंस वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ओप्पो A3s एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन को आप लैपटॉप या कोई सभी पीसी में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन को लैपटॉप में कनेक्ट कर चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन को लैपटॉप या कोई सभी पीसी में आप कनेक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं इस जो मैंने कनेक्ट किया हो इसको मैं हटा लेता हूँ। पहले इसको तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से प्रोसेस को बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में बहुत ही आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन के स्क्रीन को लैपटॉप या कोई सभी कंप्यूटर में। तो यहाँ पे मैं भी इसको हटा लेता हूँ। तो सबसे पहले तो अपना लैपटॉप या कंप्यूटर विंडोज 10 होना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोसेस को बता रहा हूँ। तो इसके बाद अपने सिस्टम के सेटिंग्स पर आपको चले जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं सेटिंग्स पर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है प्रोजेक्शन सेटिंग्स। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को प्रोजेक्शन सेटिंग, तो इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। प्रोजेक्शन सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला ये जो ऑप्शन आपको देखने को अवेलेबल एवरीवेयर ऑन सिक्योर नेटवर्क, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अवेलेबल एवरीवेयर पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको देखने को रहा आस्क टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आपको देखने को मिला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को फर्स्ट टाइम ओनली, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और ये जो आपका प्रोसेस है पूरा होने चल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को रिक्वायर पिन फॉर पेयरिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम आपको कर लेना है। इसके बाद आपका सिस्टम का काम पूरा हो गया। इसके बाद अपने एंड्रॉइड फोन पर आपको चले जाना है। एंड्रॉइड फोन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने वाईफाई को ऑन कर लेना है एंड्रॉइड फोन का। इसके बाद अपने एंड्रॉइड फोन के सेटिंग्स पे आपको चले जाना है। एंड्रॉइड फोन के सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला है अदर वायरलेस कनेक्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला मल्टी स्क्रीन इंटरेक्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला, इसको आपको इनेबल कर देना है मल्टी स्क्रीन इंटरेक्शन को। तो यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। इनेबल करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। पीसी आपका लैपटॉप है उसका यहाँ पे आप आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट होने वाले हैं अभी। तो इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को इस तरह का इंटरफेस। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ और देख सकते हैं कनेक्टिंग हो रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे सिस्टम में अभी एंड्रॉइड कनेक्ट हो चुके हैं, देखिए। और यहाँ पे आप जो भी आप काम करना चाहे उसे आप काम कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन में। और जो भी आप काम करोगे सब आपका सिस्टम के स्क्रीन में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में मैंने क्लिक किया तो सेटिंग्स भी वहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने एंड्रॉइड फोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम या लैपटॉप में। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ ही घंटी के बटन हो उसे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले तब मिलता है अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंदू वंदे मातरम।